बस इसमें से हमारे को देखते रहना, ठीक है। आज हम उपस्थित हैं जैतपुर कला के मड़ैया मऊ गांव के कछार क्षेत्र में, जहां चंबल का पानी बढ़ चुका था और वहां पर कुछ लोग टापू पर फंसे हुए थे। जो कछार क्षेत्र है, 3-4 दिन से फंसे हुए थे। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल SDRF की टीम को बुलाया और तहसील प्रशासन की टीम के साथ हम यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए। आइए हम आपको मिलवाते हैं SDRM की टीम के लीडर से। आइए सर, क्या नाम है सर आपका? हाँ, मैं SI अंबर प्रसाद और SDRM लखनऊ से हूँ। अभी जो मुझे सूचना मिली थी कि 7 लोग जो है यहाँ से फंसे हुए हैं, तो ये मऊ, क्या बोलते हैं, मऊ गांव है। हाँ, मऊ की मड़ैया, मऊ की मड़ैया के नाम से सभी हैं, जिसमें 3 लेडीज़, 1 बच्चा, 3 जेंट्स हैं। सकुशल को हम लाने प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग लाइफ जैकेट पहना दिया है। सब ईश्वर के पास से सब कुशल मंगल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। सबको समझा जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी टीम बिल्कुल उनको सुरक्षित लेके जा रही है। जैसा कि आपके सामने बताया SDRF के टीम लीडर ने कि यहाँ पर सभी लोग सुरक्षित हैं और उनसे वार्ता करके सब कुछ यहाँ पर देखभाल की गई है और इनको सहायता प्राप्त करके यहाँ से लेके जाया जा रहा है। अभी आइए बात करते हैं यहाँ के जो लोग यहाँ पर हमें मिले, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति थी उनके साथ में, यहाँ पर कैसे उन्होंने समय गुजारा। आइए, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। नाम बता रहे हैं अपना? राधे श्याम। हम 3 दिन से फंसे हुए हैं, खाना भी हमको नहीं मिल रहा है, प्राप्त नहीं है, हम गाड़े फंसे हुए हैं। हम बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल ज़्यादा परेशान हूँ, ज़्यादा के जंगल बहुत आवाज़ ऊँची हो रही है। हम जंगल टापू फंसे हुए हैं, खाना पीना मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ ज़्यादा। अब क्या करूँ, मजबूर हूँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकिशोर है जी। राजकिशोर, अब आप ये बताइए हमारे को कि यहाँ पर प्रशासन ने आपको मदद करी कि नहीं करी? फुल मदद करी है सर, मदद करने ऐसी बात नहीं है। आपने स्टीमर भेजा मुझे तो सबको निकालने के लिए, बहुत बढ़िया है। हम बहुत आभारी हूँ मैं आपके सरकार के लिए, बहुत धन्यवाद है। तहसील प्रशासन ने आपकी इसका मतलब पूरी मदद की? पूरी मदद। यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित ले जा रहा हूँ भैया, और बैठ रहा हूँ मैं गाड़ी में और मैं बोल रहा हूँ। आपने जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था, इसमें 3 महिलाएं हैं और इन सबको बहुत ही आसानी से SDRF की टीम के साथ यहाँ से वापस सुरक्षित लेकर हम गंतव्य स्थल की तरफ और सेफ इलाके में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद।